टू माय चैनल, आई एम निहारिका और आज हम सब जा रहे हैं नानी का है 82nd बर्थडे और हम पहली बार बहुत अच्छे से ऐसे मनाने वाले हैं। और मम्मी के ऊपर इतनी धूप आ गई, मम्मी अलग से चमक रही है। मम्मी, तुम्हारी मम्मी का बर्थडे, आर यू एक्साइटेड? बहुत ज्यादा। हम जा रहे हैं, नानी को कोई आइडिया नहीं है कि हम आने वाले हैं और हमने नानी के सारे भाइयों को, नानू के सारे भाइयों को, बहनों को, सबको इनवाइट कर दिया। ठीक है। और नानी को कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है। हमने कल सुबह एक पूजा रखी है, भक्तांबर जी का पाठ रखा है और फिर उसके बाद थोड़ा सा कल्चरल इवेंट जैसा डांस वगैरह सबने प्रिपेयर किया नानी के लिए। सो यस, आई एम श्योर यू आर गोना लव दिस व्लॉग, सो कीप वाचिंग। गाइस, हम पहुंच चुके हैं नानी के घर और जबकि उनका रिएक्शन मिल लिया, इतना अच्छा रिएक्शन था। हम सामान रखने में मशरूफ हो गए। तू ले ले सामान, उसके बाद भी सामान रखने में हम मशरूफ हो गए, बट कोई बात नहीं। हम आ जाओ। मेरा फोन बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी शक्ल आती है सबकी, इसलिए तो देखो मेरी भी सुंदर लगती है। गाइस, हम पहुंच चुके हैं नानी के घर और जबकि उनका रिएक्शन मिल लिया, इतना अच्छा रिएक्शन था। हम सामान रखने में मशरूफ हो गए। ये पाक तू ले ले सामान, उसके बाद भी फिर आप न्यूज में आओगे। ये तीनों है कल्प्रित, जो भी होने वाला। अच्छा, निहारी का चैनल अपना टी स्टॉल खोल रही है यहाँ पे। चाय निकाल दी, देख लो ठीक है। गुनगुन का हाल सही था, सुना मैंने, ये सब पचा जाएगा। दीदी यहाँ पे बताएगी कि बेपरवा है, बड़े बड़े उस पे। चलो खड़ी हो तो, मेरा काम था एडिट करने का, आपका काम है कोरियोग्राफी करने का। खड़ी हो जाओ। मैंने सारी कोरियोग्राफी कर दी है भाई, अभी कुछ भी नहीं करी है। गाइस, अभी तक जितनी भी हुई है ना, आधे से ज्यादा वो मैंने करी है। कुछ नहीं करी। चार पांच गाने किसने एडिट करके दिए? एडिट करने में कितनी देर लगी? हाँ, करके दे देती। कोरियन शो देखते देखते, शो भी नहीं, एपिसोड, एक एपिसोड देखते देखते सबके गाने एडिट कर दिए थे। और यहाँ ये मुझे कह रही है सबकी कोरिया करो, कोरिया झूठ बोल रही हूँ, कोरियो करो। थकान प्रो मैक्स होते हुए भाई साहब, सबने जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबने अपने अपने डांस की कोरियोग्राफी मुझसे कराई है। ठीक है, और सबके डांस की कोरियोग्राफी मैंने एडिट करी है, सबके सॉन्ग में। दो मिनट में गाना एडिट कर देती है ये, और यहाँ अभी से सुबह आ गए थे हम, सुबह से लेके अब तक सबके कोरियोग्राफी कराए जा रहे हैं मुझसे। भाई, सर में इतना दर्द हो रहा है मेरे, कोल्ड और फीवर की वजह से, लेकिन नहीं, नाचना है। अरे मतलब
पानी कम है जिसमें, तो ये है ना पानी कम वाले में डाल लो। अरे समझ आ गया। मैं नानी हूँ, नानी का एकदम शुद्ध गाना बनता है, शुद्ध खाना और सांभर और क्या कहते हैं डोसा, और मसाले भी नानी के शुद्ध होते हैं, सब कुछ नानी का शुद्ध होता है। उनके लिए बना रहे हैं और उनके लिए हम बना रहे हैं खीर मखाने वाली, और क्या बना रहे हैं हम उनके लिए, बना रहे हैं टिक्की, केले की टिक्की और चटनी, और चटनी के लिए हमें अमचूर मिल नहीं रहा था, हमने बहुत ज्यादा टेलीकॉम्बाजी करके पूछा कि आपका अमचूर रखा कहाँ है। और इसके बाद अमचूर मिल ही गया। बहुत ज्यादा दिमाग लगाया गया। नानी आज रोज सुबह उठ के 5:30 बजे एग्जैक्ट मंदिर चली जाती है, आज नानी उठी नहीं रही, आज गई थी 6 बजे है, और फिर नानी 6 बजे फाइनली मंदिर गई, तो हम सब ऐसे उठे हम चलो बुआ मंदिर में बोल के आइए, उनको बोल के आइए कि क्या कहते हैं आप ना आराम से 1.5 घंटे में आना, हम अभी कहीं नहीं जा रहे, हम जाएंगे शाम को, तो आप आराम से आना, जल्दी बताना घर पे तैयारी कर ले, ये नहीं बोला ये मैं बोल रही हूँ। इनसे एक रंगोली बनानी भी नहीं आती, देख लो गाइस आपको आके सिखाना पड़ेगा निहारिका जैन को। आपको बहुत खुशी हुई।
गिल लाए तो देखो हमारी मम्मी ने हम सबके लिए जितने भी यहाँ पर है हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, सारी जिंदगी ही किया है। ये पहला मौका हमें मिला, इत्तेफाक से मिला कि हम उनके लिए कुछ कर पाए, और उनका जन्मदिन की डेट हमें पता चली, तिथि पता चली, उसके अकॉर्डिंग हमने डेट निकाली जो कि दस लक्षणी में पड़ती थी 21 सितंबर। तो तब तो कर नहीं सकते थे क्योंकि दस लक्षण पर्व में कोई नहीं आने वाला था, तो इसलिए जो तिथि उन्होंने बताई थी उसके अकॉर्डिंग आज सप्तमी के दिन जो नवरात्र आते हैं उसकी सप्तमी में इनका जन्मदिन है। 1941 में मम्मी का जन्म हुआ था तो उसके हिसाब से आज जन्मदिन। तो हम पहली बार मम्मी के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने जीजी को लिखा, जीजी ठंड लग रही, दस्तानी और मोजे चाहिए, एक हफ्ते में पुड़ के भेज दी। मेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल उगाता कोई। अरे बंद बंद कर पहनी टोपी, पहने ढीली धोती ले, पहने ढीली धोती ले। घर के बच्चों की जान मेरी दादी माँ, ईश्वर का वरदान मेरी दादी माँ, पल्लू के डोर में रुपया बांध के रखती। कुछ नहीं, बस चाय पिया इन्होंने। चाय हाय, मैं सबका मामा चाचा दादा।
सॉरी माता जी सॉरी, नहीं 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 नहीं, मैं बस पैर फैला के बैठी हूँ, उसको माता जी फिसल गए। और पता है किसकी गोदी में बैठे, मेरी गोदी में चढ़ के बैठी हुई है, तो पता है मेरे पैर में इतने दर्द है। हाँ, इसे कहते हैं प्यार, छोटी बहन का प्यार। हाँ जी मैडम, ये आपकी दुकान है? हाँ ये मेरी दुकान है, देखिए। अच्छा अच्छा, ये एक वैरायटी का है। और ये आपके कस्टमर्स हैं? देखिए देखिए देखिए, ये एक वैरायटी है। अच्छा अच्छा, और दूसरी वैरायटी? दूसरी वैरायटी। अच्छा, और तीसरी? तीसरी वैरायटी। अच्छा, और ये चौथी वैरायटी। अभी के लिए चार वैरायटी है आपकी दुकान पे? बस चार ही वैरायटी है मैडम? अभी 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 शुरुआत हुई है ना। अच्छा अच्छा मैडम, साड़ी आपको खरीदने की जरूरत है, आपकी शादी का टाइम आ रहा है। बोलती बंद हो गई, बोलती बंद तो है पूरी। फ्रेम छोटा पड़ गया, काट गई। अरे पीछे जाओ, इसकी वीडियो आन दो। अच्छा फोटो खींच रहे क्या? लोग 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 कि आपको दिए थे बाद में आप ना ना मुकर जाओ कि ससुराल गया था कुछ मिला के मुझे।